जिस होटल में हम लोग रुके हैं इसका नाम है सेंट रेगिस रोवा गोवा। देखिए ये मैरियट के द्वारा मैनेज किया गया होटल है। यहाँ पर देखिए सामने में एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो इस बिजनेस में डायमंड गए। देखिए प्रियम्मा जी की भी तस्वीर है और अरुणा जी की तस्वीर है, राजेश रंजीत जी की तस्वीर है, पवन जी की तस्वीर है, राजेश नताशा की तस्वीर, ये सारे तस्वीर हैं आप देख लीजिए, सारे लोगों की तस्वीर है। उधर सरिता जी की भी कई तस्वीर होगी, हाँ वहाँ देखिए ये तस्वीर है। अब इसको समझिए कि ये जो होटल है ये इंडिया के कुछ महंगे होटलों में से एक है। पर हम कल चेक कर रहे थे इसका टैरिफ, तो पता चला कि टैरिफ इसका इट इज़ अबाउट, मतलब आप यू कैन से कि वन ऑफ द लग्जरियस्ट होटल एंड वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट होटल इन इंडिया। इसके लॉबी में हम जा रहे हैं, मेन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की खासियत कोई मल्टी स्टोरी टाइप चीज़ नहीं है, छोटे छोटे कॉटेज टाइप के लग्जरी कॉटेज बने हुए हैं। थैंक यू, कितना नेचुरल बना दिया देखिए ये, और ये पूरा लॉबी सजा दिया है। देखिए एक साइड में पूल है, उसमें रंगीन मछलियाँ हैं, देखिए ये रंगीन मछलियाँ कितना खूबसूरत है। सो इसके लिए एक अलग से हेल्पिंग डेस्क बनाया हुआ है मैंने अपना, देखिए अलग हेल्पिंग डेस्क बनाया हुआ है। ये पूरा लॉबी है और यहाँ पर अनवरत एक वीडियो चलता रहा है, ये 25 ईयर्स ऑफ हेल्पिंग पीपल बेटर लाइफ हेल्दियर लाइफ्स करके लोगो इसका बना हुआ है। ये इसका पूरा लॉबी एरिया है, दिस इज़ द लॉबी एरिया, इतना सुंदर है। हम लोग कभी शायद, ठीक है पैसा रहता भी तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। देखिए लीडर्स लोग आ रहे हैं, एक गिरीश सांबियाल जी हैं, पटना आए थे जी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब पटनावासी? देखिए मैडम, मैडम पटना आई थी रविंद्र भवन में सेमिनार लेने। वी आर रियली एंजॉय, थोड़ा सा ज्यादा काम करिए और हमारे साथ एंजॉय करिए। वापस बुलाया नहीं आप लोगों ने पटना में? बस अब बुलाते हैं। थैंक यू। देखिए सो इतना ज़बरदस्त, अब देखिए ये फिर हम नीचे बॉल रूम में जा रहे हैं। सारा स्टाफ इतना कर्टियस है, वैसे भी एज यूजुअल स्टार होटल में ये सिस्टम रहता ही है, ठीक है। ये लॉबी, इसका बॉल रूम में जा रहे हैं जहाँ पर पूरे ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था की गई थी। ये सजा हुआ है, तो ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, तो ब्रेकफास्ट कर भी लिए, ठीक है। देखिए बजील जी पटना आए थे, देखिए पांडा जी हैं जी, माने लेजेंड किशोर कुमार, कितना गाना इनका हम लोग सुने। सो जस्ट सी एंड दिस इज हाउ, यहाँ देखिए पूरा सजा हुआ है। देखिए आशुतोष रस्तोगी साहब हैं, लेजेंड, और इतना शानदार गाना गाते हैं आशुतोष रस्त, आपको कौन नहीं जानता, आप लेजेंड हैं। थैंक यू। देखिए मशगूल हैं अंकुर गुप्ता किसी से गप करने में, पूरा मशगूल है। देखिए बच्चा लोग क्या मस्ती, अंकुर जी का बच्चा लोग है खेल रहा है, हा? फोटो स्टेट कॉपी, देखिए अंकुर जी का बेटा को देखिए एकदम हो बहु फोटो स्टेट है। देखिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, नज़रें इनायत कर दीजिए। देखिए स्टार आप आए थे पटना, क्या शानदार, थैंक यू। सो ये पूरा लाइफ, एक छोटा वीडियो और आपको दिखाएंगे इसके फैले हुए इसका। देखिए ये
मंथन पटेलिया है, इंस्टाग्राम सेंसेशन। देखिए आप इनके उम्र का अंदाज़ा लगाइए, दोनों बाप बेटा हैं कि भाई हैं, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए देखिए दोनों को, लेजेंड एम वे लेजेंड। भाभी जी को देखिए, तो उम्र को इन लोगों ने छू के बाहर कर दिया है कमरे से। बस ये एनवायरनमेंट का ही फायदा है, न्यूट्रिएंट का और इस एनवायरनमेंट का। कभी सोचा नहीं था कि हेल्थ को इतने ढंग से मैनेज करेंगे, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है, जहाँ पर ये बताया गया है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब खुद को ही ट्रांसफॉर्म करके फिर लोगों को इंस्पायर करना है, तो ये दिमाग में आया। एंड इट इज़ गुड माइंड सेट और अच्छे नॉलेज के साथ 28 केजीज वेट लॉस किया मैंने। देखिए इनका जरा फिगर देखिए, फिगर देखिए। मंथन ने भी वेट लॉस किया अच्छा। और मंथन तो वेट लॉस जो किया सो किया बेटा, तुमको पता नहीं है कि इंस्टा पर तुमको कितने लोग फॉलो करते हैं, यू आर सेंसेशन। और तुम ये बताओ बेटे कि हम लोग उम्र के इस पड़ाव में हैं, और तुम यहाँ सोच के देखो कि इस बिजनेस ने जनरेशन गैप को ही मिटा दिया। तुमसे एक चीज़ ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, तुम यंग हो, हाईली क्वालिफाइड हो, U35 नहीं U25 हो, इसके फिगर को देखिए बच्चे का, तुम इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो और क्यों चुने हो, क्या तुम्हारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, अगर एक मिनट में तुम बताना चाहो। श्योर सर, श्योर, व्हाई नॉट। देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ, मतलब जिस फोन में मेरा ये वीडियो शूट हो रहा है, ऐसे ही प्रोफाइल्स को देखकर मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि अगर इन लोगों ने डिसीजन लिया है तो शायद मेरे को 18 साल की उम्र में ले ही लेना चाहिए। ऑफकोर्स बींग अ सेकंड जनरेशन पेरेंट्स काफ़ी सालों से ये बिजनेस में है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके लेगेसी को आगे लेकर जाऊँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन लोगों ने जब शुरू किया था तब जमाना अलग था, मैं बड़ा हो रहा हूँ तब जमाना अलग है, बट एमबीए एक ऐसा बिजनेस है जो जमाने के साथ बदलता है। जब उन्होंने देखा था 2003 में, तब भी उनको वो उतना ही डुएबल लगा, जब मैंने कुछ सालों पहले देखा तभी मेरे को उतना ही डुएबल लगा। बेस्ट पार्ट ये लग रहा है ये बिजनेस का, प्रोफाइल्स को देखिए अलग अलग कि शायद इन लोगों को ज़रूरत है, इन लोगों ने सही सोच लेकर ये बिज़नेस को शुरू किया है, तो वाई नॉट मैं ये बिज़नेस को शुरू करूँ 18 साल की उम्र में। और बाकी तो जो ज़िंदगी यहाँ पे मिलती है, जो रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, जो यहाँ पे लोगों का प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठा लेने जाएंगे तो शायद मार्केट में कोई पैकेज में अवेलेबल नहीं है। मतलब तुम अगर ये कहो, मैं जो समझ पाया कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि नई जनरेशन के लिए ये कैरियर हो सकता है और हो रहा है, जहाँ पर न तो तनाव है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, वहाँ कंपटीशन है, ये कहना चाह रहे हो। एग्जैक्ट, मतलब मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूँ, हर यंगस्टर के पास फ़ोन रहता है और फ़ोन को हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, राइट, उसके ग्लास कैसे लगाना है, उसके वॉलपेपर क्या रखना है, उसके रिंगटोन क्या रखना है, क्या बात, मैसेज टोन क्या रखना है, तो हम लोग अपने मोबाइल को कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन लाइफ को कस्टमाइज़ करने की कभी नहीं। क्या बात है भाई, एक लाइन में देखिए बच्चे ने क्या शानदार मैसेज दिया। और शायद एम पे वही जरिया लोगों को देता है कि खुद की लाइफ को खुद कस्टमाइज़ करना, कब उठना, कब जीना, कितना पैसा कमाना, किन लोगों के साथ रहना, यही होता है लाइफ को कस्टमाइज़ करना। शायद मार्केट में पैसे कोई और बोलेगा उतने कमाएंगे, वो हमको बुलाएगा तब हम लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं लोग हमको पकड़ के रखता है, अगर आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है, ज़िंदगी जीना है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए क्या ज़बरदस्त, आप सोच के देखिए कि इस उम्र में बच्चे कहीं चले जाते हैं, माता पिता कहीं हैं, अब देखिए बेटा, पिता और भाभी जी को देखिए, आप सोच के देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन है। इधर देखिए इस बच्चे को, इसके फादर महेश दुबे जी। सो आप आइए, वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, मिलेंगे और मजा करेंगे, चलिए।